सेक्शन 305 सर्कमस्टेंस इन विच कंपनी में बाउंड अप बाय कोर्ट. नंबर वन है स्पेशल रेजोल्यूशन. नंबर टू है डिफॉल्ट इज मेड इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और होल्डिंग मीटिंग और टू कंजेक्टली है. आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही है? हेलो जी अब ठीक है, पहले मुझे तो नहीं आ रही थी, बाकी लोग बता सकते हैं. जी से ब्रेक हो रही. चलें ठीक है, अब ब्रेक हो रही थी, चलें दोबारा से शुरू करें जी. ओके, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट. सेक्शन 305 सर्कमस्टेंस इन व्हिच कंपनी मे बी वाउंड अप बाय कोर्ट. फर्स्ट वन है स्पेशल रेजोल्यूशन. सेकेंड वन है डिफॉल्ट इज मेड इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग और टू कंसेक्यूटिव एनुअल जर्नल मीटिंग्स. डज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन और सस्पेंड्स बिजनेस फॉर अ होल ईयर. सर इसको उर्दू में बताती जाऊँ या ऐसे एक्सप्लेन करती जाऊँ? बस जैसे आपको लगता है कि हमें समझ आ जाएगी. But force which private company below 2 or any other company below 7 unable to pay its debts. इसमें ये है कि कंपनी किस किस सर्कमस्टांस में उसकी बाइंडिंग अप होगी. एक है कि स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हुआ हो. दूसरा उसमें है कि अगर उसने स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो उसने अभी तक रजिस्ट्रार को डिलीवर नहीं किया है, या उसके अलावा उसने दो कंसेक्यूटिव एनुअल जर्नल मीटिंग्स नहीं की हैं, इस केस में हो सकती है वाइंड अप. और या तो उसने बिजनेस एक साल के कमेंसमेंट के बाद एक साल के अंदर अंदर बिजनेस नहीं शुरू किया है, या एक साल के लिए अपना बिजनेस खत्म किया है, इस केस में वाइंड अप हो सकती है. नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर उसके मेंबर्स रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो गए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से कम और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 से कम, तो और या उसने अपने डेट्स नहीं पे किए हुए. नेक्स्ट स्लाइड. If the company conceived or brought forth for unlawful and fraudulent activities, business not authorized by the memorandum, business in manner oppressive. Oppressive in a sense कि अगर वो अपने ही किसी contributor या किसी shareholder या किसी और के लिए वो oppressive है तो या अपने ही किसी member के लिए वो oppressive है तो run and managed by a person who fails to maintain proper and true accounts and commit fraud, managed by a person who refused to act according to the memorandum. If listed company, it ceases to be such company. If court is of opinion to be bound up, if a company ceases to have a member. Next slide. Company when deemed unable to pay its debts. A company shall be deemed to be unable to pay its debts if a creditor to whom the company is indebted in a sum exceeding 1% of its paid capital of 50,000 rupees for 30 days thereafter neglected to pay the reasonable satisfaction of the creditor. इसमें वो कह रहे हैं कि अगर क्रेडिटर सर इसमें थोड़ा सा मुझे भी एम्बिग्युटी है, लेकिन अगर मेरे कोई हो तो आप प्लीज करेक्शन करा दीजिएगा. अगर क्रेडिटर जो है उसका जो कंपनी का डेट है वो 1% से एक्सीड कर जाए, या वो पेड अप कैपिटल के 1% से एक्सीड कर जाए, या 50,000 रुपीज से कम हो और वो इसका जो क्रेडिटर है वो इसका नोटिस 30 days मतलब वो भेज रहा है और कंपनी फिर भी उसे विदिन 30 days इंटरटेन नहीं कर रही है, तो इस सूरत में भी कंपनी वाइंड बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है. ओके, इफ एग्जीक्यूशन और ऑफ एनी कोर्ट इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर इज रिटर्न्ड अनसैटिस्फाइड. नेक्स्ट स्लाइड. If it is proved to court that the company is unable to pay its debts,
court shall take into account and account the contingent and prospective liabilities of the company. Contingent and prospective liabilities होती है जो future में incur होनी होती है. जैसे कि आपने credit card कर लिया और उसकी आगे जो है आपने pay उसको बाद में करना है. जैसे आपने बिजली इस्तेमाल करनी है और उसका बिल बाद में देना है. इस तरह से the demand shall be deemed under the hand of the creditor if it is signed by an agent or legal advisor on his behalf. Case of a firm if it is signed by such agent of the company on the behalf of the firm. Next. कंपनी कहाँ लिखा हुआ था इस लाइन में? सिर्फ कंपनी लिखा हुआ, फॉर्म लिखा हुआ. हाँ वही. अच्छा ठीक है, कैरी ऑन. ओके, दो दफा, तीन दफा लिखा हुआ. ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स. ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग ये है, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग टू अदर कोर्ट्स. वेयर द हाई कोर्ट मेक्स एन ऑर्डर for winding up a company, the court within the meaning of his ordinance can direct all proceeding to civil court and shall have all the powers and jurisdiction of the court thereunder. Next slide. Withdrawal. Section 308, withdrawal and transfer of winding up from one court to another. During the progress of winding up in civil court, it is made to appear to the high court, withdraw the case. First one is withdraw the case and proceed with the winding up itself. Both high court jo hai wo agar civil court mein case winding up case chal raha hai to high court isko wahan se withdraw bhi kara sakti hai, uski winding up khud bhi kara sakti hai. Transfer the case to such civil court. या उसको किसी और सिविल कोर्ट, देयर आफ्टर द वाइंडिंग अप शैल प्रोसीड इन सच सिविल कोर्ट, या फिर उसको किसी और सिविल कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकती है. नेक्स्ट वन प्लीज. पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप. सेक्शन 309, प्रोविजंस एज द एप्लीकेशंस फॉर वाइंडिंग अप. एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप शैल बी बाय petition presented together or separately or by together separately mein usme uske creditors aur uske koi contributors bhi kar sakte hain or by such registrar or by commission or in that behalf. ye aap logon ne registrar ko register likha hua hai aur by the register. sorry, galti, koi baat nahi, it's okay, koi baat, all right, so typo mistake, I think koi issue nahi. ji. A contributory shall not be entitled to present a petition for winding up a company unless number of members is reduced, shares in respect of which he is contributory. Registrar number second hai iska. Registrar shall not be entitled to present a petition or winding up unless the previous sanction of the commission has been obtained. To no such sanction shall be given unless company being heard. Next. The commission shall not be entitled to present a petition unless an investigation into the affairs of for any fraudulent or unlawful purpose, and such petition shall not be presented unless the company has been afforded an opportunity of being heard. Jab court company ko bhi hamesha mauka deti hai ki wo bhi apni petition ko explain kar sake aur wo sara bata sake ki asal mudda bata sake apna. Court shall not give a hearing to a petition until security for costs has been given as the court thinks reasonable and until a prima facie case has been established. Court shall not give a hearing until the company has furnished with its petition or proceeding pending against it. Next one please.
सेक्शन 310 राइट टू प्रेजेंट बाइंडिंग अ पिटीशन वेयर कंपनी इज बीइंग बाउंड अप वॉलंटियरली और सच और सब्जेक्ट टू कोर्ट्स सुपरविजन पिटीशन फॉर इट्स इट्स वाइंडिंग अप मे बी प्रेजेंटेड एनी पर्सन ऑथराइज्ड द कोर्ट शैल नॉट मेक अ वाइंडिंग अप अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द वॉलंटियरली वाइंडिंग अप इज इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर creditors and contributors. Next one, please. Commencement of winding up. Section 311, commencement of winding up by court. Winding up of company by court shall be deemed to commence at the time of the presentation of the petition for winding up. Next one, please. Power of court hearing application. Section 312. Hearing of winding up petition by court. A petition for winding up of a company shall come up for regular hearing. मतलब एक regular hearing की तरह होगी, कोई specialist को वो नहीं मिलेगी. Next one, please. Section 313. Court may grant injunction. The court may, after presentation of the petition for winding up a company upon the upon the application of the company itself or of any its creditor, restrain further proceeding in any suit against the company upon such terms as the court thinks fit. Next one, please. Section 314, power of court on hearing petition. The court may dismiss hearing with or without costs and adjourn the hearing conditionally and order for winding up the company or any other order that it deems just. But the court shall not refuse to make a winding up order on the ground only that the assets of the company have been mortgaged to an amount equal to or in excess of those assets or that the company has no assets. Where the petition is presented on the ground that it is just, the court may refuse to make an order of winding up if it is of opinion that some other remedy is available. Lazmi hai ki court winding up ka hi order degi, agar koi aur remedy hogi to wo usko lazmi consider karegi. Next one, please. Where the petition presented on the ground of default, the court may, instead of making a winding up order, direct that statutory report shall be delivered or that a meeting shall be held or an order that costs to be paid by any person who, in the opinion of the court, are responsible for the default. On the hearing of petition, the court may make such order as it thinks fit in the circumstance regulating the conduct of the affairs, including change in the management of company. Where the court makes an order for the winding up of the company, shall forthwith intimate and appoint liquidator. Next, please. Section 315, copy of winding up order to be filed with registrar within 15 days from the date of making of winding up order. If default is made in every officer of the company who is in default, such shall be punishable with fine, which may extend to 100 rupees for each day during which the default continues. On the filing of certified copy of winding up order, the registrar shall forthwith make a minute and shall notify in the official gazette. Order shall act as notice of discharge to the servants, the company. Next, please.
सेक्शन 316 सूट स्टेट ऑन बाइंडिंग अप ऑर्डर. When a winding up order has been made or a provisional manager has been appointed, no suit or other legal proceeding shall be proceeded. The court shall have jurisdiction to entertain or dispose of any other against any suit against the company. Any suit pending to pending be transferred to and disposed of by the court. Next, please. Court may require expeditious disposal of suits. If any suits are proceeding which is allowed to be proceeded within any court, the court may issue directions to court that is subordinate or make a request to that other court for expeditious disposal of the pending suits. इसमें ऐसे है कि अगर वो हाई कोर्ट में चल रहा है तो वो अपनी लोअर जो कोर्ट होगी उससे ऑर्डर करेगी, अगर सिविल कोर्ट में चल रहा है तो वो हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगी. इफ एनी प्रोसीडिंग विद ऑफिसर्स और ट्रिब्यूनल्स द कोर्ट में इशू डायरेक्शंस टू द एट ऑफिसर ट्रिब्यूनल्स फॉर एक्सपेडिशियस एक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द सेट प्रोसीडिंग्स. अपॉन इशू ऑफ द डायरेक्शन और मेकिंग अ रिक्वेस्ट द कोर्ट और बॉडी accord its special priority in adopting such measures as may be necessary, it shall inform the court issuing the direction or making the request of the action taken. Next, please. Section 318, effect of winding up order. An order for winding up a company shall operate in favor of all creditors and all contributors of the company as if made on the joint petition of creditor and of a contributory. Next, please. Next, sir, मैं यहाँ तक थी, अगर कहते हैं तो आगे कर लेते हैं, वरना हबीबा की है. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. हबीबा कंटिन्यू करें. किब्रिया प्लीज अपना माइक म्यूट करें. जी हबीबा सॉरी प्लीज कंटिन्यू करें. द कोर्ट मे एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 3 इयर्स आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन बाय इट. जब कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देती है तो उसके 3 years के दौरान आप winding up की जो है practices आप start कर सकते हैं. On proof to the court that all proceeding in relation to the winding up should be stayed, withdrawn, cancelled or revoked, make an order according to the court thinks fit. Winding up की procedure के दौरान अगर आप जो है उसकी activities को withdraw करते हैं, cancel करते हैं, उसको stay करते हैं, तो वो हम court के according करेंगे जिस तरह court को ठीक लगता है. The court may, before making an order, require the official liquidator to furnish the court a report with respect to any facts or matters which are, in his opinion, relevant to the application. A copy of every order made shall be forwarded by the court to the registrar, who shall make a minute of the order in his books relating to the company. Court to have regard to wishes of creditor or contributor, section 320. The court shall, as to all matters relating to a winding up, have regard to the wishes of creditors or contributors as proved to it by any sufficient evidence. Creditors or contributors ko hum tabhi unke assets ya unki wishes ya jo unki requirements hai wo puri karenge jab unke paas jo hai unke paas court ke through evidence hoga ki wo jo hai कंपनी के कंट्रीब्यूटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर. द ऑफिशियल लिक्विडेटर इज द ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट. ही इज अपॉइंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप. ही हैज सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट एंड ही हैज टू डू ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई कोर्ट.
लिक्विडेटर जो है वो हाई कोर्ट का ही ऑफिसर होता है और उसको अपॉइंट किया जाता है कंपनी की फाइंडिंग अप के लिए, और उसने फॉलोइंग ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं, और उसने वो सारी चीजें वो सारी एक्टिविटी उसने परफॉर्म करनी है जो उसको कोर्ट बताएगा, जो कोर्ट इंस्ट्रक्ट करेगा. Provided that no person shall be appointed as liquidator of more than three companies at one point of time, the court may determine where any and what security is to be given by official liquidator on his appointment. If more persons than one are appointed to the office of official liquidator, the court shall declare where any act that this ordinance required or authorized to be done by the official liquidator is to be done by all or any one or more of such persons. Any question? ये स्लाइड गलत है, आई थिंक स्लाइड चेंज करें प्लीज. आप नेक्स्ट स्लाइड पे हैं शायद. सॉरी, कोई मसला नहीं. ओके सर, मैं दोबारा. ओके हाँ हाँ, दोबारा करें. The court may, before making an order, require the official liquidator to furnish to the court a report with respect to any facts or matters which are in his opinion relevant to the application. A copy of every order made shall be forwarded by the court to the registrar, who shall make a minute of the order in his books relating to the company. Next. Court to have regard to issues. Court to have regard to wishes of creditor or contributors. The court shall, as to matters relating to winding up, have regard to wishes of creditor or contributors as provided to it by any sufficient evidence. Next. Appointment of official liquidator. The official liquidator is the officer of High Court. He is appointed from the date of order of winding up. He has a certain duties to perform under the Companies Act, and he has to do all the required things in respect of compulsory winding up of a company according to instructions of High Court. Provided that no person shall be appointed as liquidator of more than three companies at one time of time, the court may determine where any and what security is to be given by any official liquidator on his appointment. If more persons than one are appointed to office of official liquidator, the court shall be declared where any act by this ordinance required or authorized to be done by the official liquidator is to be done by all or any or more of such persons. एक जो लिक्विडेटर है वो एक टाइम में तीन कंपनीज का लिक्विडेटर नहीं हो सकता, और हर कंपनी का एक ही लिक्विडेटर होगा. और अगर कोई ऐसी जरूरत पेश आती है या किसी लिक्विडेटर की जरूरत पड़ती है, तो उसको अकॉर्डिंग टू कोर्ट जो है हम उसको हायर करेंगे, और एक स्पेसिफिक काम के लिए हायर करेंगे, और वो सारा ऑफिशियल प्रोसीजर होगा अगर हमें एक से ज्यादा लिक्विडेटर चाहिए होगा. Next. Resignation, removal, filing of vacancies of official liquidator. Official liquidator not resign or quit his office as official liquidator before conclusion of winding up proceeding expect for reason of personal disability to the satisfaction of the court. Koi bhi liquidator apni job क्विट नहीं कर सकता जब तक वो कंपनी को वाइंड अप ना कर दे, और अगर उसने करना है तो उसकी कोई पर्सनल डिसेबिलिटी है तो वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा, कोर्ट को रीजन पेश करेगा कि वो क्यों नहीं कर सकता. एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एनी ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल बी फाइल्ड अप बाय द कोर्ट बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर पर्सन फ्रॉम द पैनल एंड मेंटेन. और ऑफिशियल लिक्विडेटर की कोई भी उसकी जगह कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसको कोर्ट ही जो है अपॉइंट करेगा पैनल में से. अंटिल द पर्सन सो अपॉइंटेड इन हिज that takes charges the outgoing official liquidator shall, unless the court directs otherwise, continue to act the official liquidator. जब तक court जो है new liquidator को appoint नहीं करता तब तक जो है पुराना ही कोई अपना काम करना पड़ेगा जब तक court direct नहीं करता.
नेक्स्ट remuneration of official liquidator. An official liquidator not being a salaried officer of government or the court shall be entitled to such remuneration by the way of percentage of the amount realized by him by disposal of assets. Official liquidator जो है वो ना तो वो government का salaried person होगा ना उसे court pay करेगी, लेकिन उसकी जो remuneration की amount है वो percentage के हिसाब से decide की जाएगी. Otherwise, as may be fixed, assets, disposal of assets के मुताबिक उसकी percentage decide करेंगे. Otherwise, as may be fixed by the court having regard to the amount and nature of the work accord actually done and subject to such limits as may be prescribed. Otherwise, जो है court उसके amount decide करेगी जो उसने काम किया है या उसका जो work of nature है. Next. The court may permit payment of a monthly allowance to the official liquidator for meeting the expenses of the winding up of a period not exceeding 12 months from the date of the winding up order. Court उसे monthly जो है allowance भी pay कर सकती है winding up के expenses को पूरा करने के लिए, और जो है 12 months से ज्यादा उसे नहीं दे सकती. The remuneration once fixed cannot be increased by but may be reduced by the court at any time. No remuneration shall be payable to an official liquidator who fails to complete the winding up proceeding within the prescribed period. और उस बंदे को remuneration नहीं मिलेगी जिसने fixed period के दौरान अपना काम जो है वो नहीं किया. Next. Style of official liquidator. Section 324. An official liquidator shall be described by the style of the official liquidator of the particular company in respect of which he acts and not by his individual name. Next. Appointment and powers of a provisional manager. At any time after the presentation of winding up petition and before the making of a winding up order, the court may appoint a person eligible for appointment as official liquidator to be provisional manager. Provisional manager हम official liquidator की जगह जो है वो appoint करती है court को. इसके भी जो functions हैं तकरीबन official liquidator से मिलते जुलते हैं, उसकी responsibilities भी. लेकिन at a time या official liquidator होगा या provisional manager होगा. Before appointing a provisional manager, the court shall give notice to the company and afford to it a reasonable opportunity to make its representations, if any, unless for special reasons to be recorded, the court thinks fit to pass out, but with such notice. Lekin provisional manager ko hire karne se pehle court ek company ko inform karegi aur usko opportunity degi provisional manager ko taaki wo apni jo hai activities present kar sake, lekin usko pass court hi karegi ki wo provisional manager hoga ya nahi hoga for winding up the company. Next. A provisional manager is appointed by the court. The court may limit and restrict his power by the order appointing him. Court uski powers ko restrict bhi kar sakta hai jab usko appoint kiya jayega by a subsequent order, but otherwise he shall have the same powers as a liquidator. Otherwise uski powers jo hain liquidator ki jo liquidator ki powers hain wahi uski होंगी. Unless the court directs otherwise, the provisional manager shall end to hold office as provisional manager on the winding up order being made. Next. General provisions as to liquidators. Section 326. The official liquidator shall conduct the proceeding in winding up the company and perform such duties in reference as the court may impose. The acts of a liquidator shall be valid despite any defect that may later be discovered in his appointment or qualification. The winding up proceeding shall be completed by the official liquidator within a period of 1 year from the date of issuance of winding up. Next.
if an official liquidator is responsible for misconduct or breach of duty or other default in relation to winding up proceeding of a company, he shall cause to be the official liquidator of the company and shall also become disqualified for a period of time, for a period of 5 years. Other official liquidator किसी मिसकंडक्ट या किसी एरर या किसी डिफॉल्ट की वजह बनेगा तो 5 साल के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी ड्यूटी से. द रजिस्ट्रार एंड द कमीशन शैल टेक नोटिस ऑफ एनी लैप डिले और अदर इररेगुलरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड मे विदाउट बायस टू एनी अदर एक्शन अंडर द लॉ रिपोर्ट द सेम टू द कोर्ट. और रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार एंड और कमीशन जो है इस बात में नोटिस लेगी अगर कोई इरेगुलरिटी जो है कंपनी में मिलेगी तो, और विदाउट बायसनेस वो कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे. अगर कोई इरेगुलरिटी ऑफिशियल ऑफिशियल लिक्विडेटर की तरफ से होती है देन दे आर गोइंग टू रिपोर्ट टू द दे विल टेक लीगल एक्शन अंडर द लॉ एंड रिपोर्ट द सेम टू द कोर्ट. ठीक है, एक सेकंड यहां पे रुकें आप, हबीबा रुकिएगा प्लीज. फवाद साहब कितना टाइम है हमारे पास? सर 4 मिनट्स. 4 मिनट्स हैं, ठीक हो गया. चले जी, 4 मिनट्स जो हैं इनको यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं 2:10 पे, 2:10 पे. ठीक है जी. अच्छा, इन 4 मिनट्स में एक और चीज है मैं एसएन से पूछना चाहता हूँ. एसएन साहब, इज इट पॉसिबल यूईटी ये अलाउ कर रहा है कि मैं अगर जो एक आप लोगों का एक्स्ट्रा सेशन है अगर मैं वो यूईटी में लेना चाहूँ तो? जी सर, आप दोबारा पूछिएगा क्या कह रहे हैं आप? एक फिजिकली सेक्शन आप कह रहे हैं? जी जी जी, जो लास्ट सेशन है अगर वो फिजिकली लेना चाहूं. सर आई थिंक कंडीशन थोड़ी टफ हैं क्योंकि जो है वो यही है कि एग्जाम भी ये इसी तरह से ले रहे हैं कि दो एग्जाम सैटरडे और संडे को लेंगे और उसके बाद 1 वीक का गैप करके फिर सैटरडे और संडे. तो ये डायरेक्टर साहब ये हैं कि ये इसका आंसर वही आपको बेस्ट दे सकते हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर शोएब से बात करूं ना. जी जी सर, डॉक्टर अगर मैंने उसमें प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी क्लास में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं कुछ मुल्तान के हैं कुछ खाने वाले के हैं तो इनमें से भी कोई जैसे पहले भी एक लेक्चर में बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए आना, इनसे भी जरा पूछ लें कि कंसेंसस सारी क्लास का है क्योंकि इसमें मेजोरिटी कुछ कसूर से भी आते हैं तो ये भी इस बात पे एग्री करेंगे कि ये आ जाएंगे. मैं समझ गया जी. फवाद साहब आप क्या कह रहे थे? जी सर, मैं ये इनके आउटसाइडर्स का कह रहा था कि तकरीबन कोई 8 के करीब है, ये इनके लिए प्रॉब्लम होगी सिर्फ एक क्लास के लिए ट्रैवल करना. अच्छा नहीं, मैं आई विल नॉट मेक अटेंडेंस मैंडेटरी बट एनीवेज अगर कोई आना चाहे तो बहुत अच्छी बात है ताकि बहुत सारी जो क्यूरीज है ना वो मैं शायद फोन पे या मैसेज करके आप लोगों को व्हाट्सएप पे नहीं समझा सका. आधे लोगों को तो ये समझ नहीं आई कि ग्रेडिंग क्या है. आधी दुनिया ने ये समझ लिया है कि जो उनका ग्रेड ऊपर अगर सी लिखा हुआ है तो उनका ग्रेड सी है. फिर मैंने एसएन से भी रिक्वेस्ट की थी काइंडली प्लीज अंडरस्टैंड दिस और ये बाकियों को भी समझाएं और बाकी मैंने कोशिश की बताने की ये सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली करता है तो ये 65% ग्रेडिंग हुई है, अभी 35% पड़ा है. तो जिसका सी प्लस भी है उसका ए भी आ सकता है बिकॉज अभी तो 35% अनग्रेडेड है. लेकिन एनीवेज वो बात समझ नहीं आ रही थी, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. चले मैं उनसे बात करता हूँ. किसी और ने हैंड रेज किया था, इकरा जावेद ने, आपने कुछ कहना है? जी इकरा. सर, वही ट्रैवल इशू की बात है. सर एक्चुअली मैं हॉस्टल में होती हूं, सर वो छुट्टियों की वजह से कि मुझे क्लास अटेंड करने के लिए सेंटर आना पड़ेगा जो चीजें हैं वो एक दफा क्लियर हो जाए. और मेरा ख्याल है कि अगर वैसे ऑफिशियली ये हमारी लास्ट क्लास है, हाँ मतलब ये ऑफिशियली लास्ट क्लास है ना वैसे वो, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता था जो जाया हो गई है. चलें, I will talk to director साहब, मैं उनसे बात करूँगा. ठीक है जी. रिजवान साहब आपने कुछ कहना है? मशारी साहब बताएं. मैं ये कहना चाहता था सर, जैसे ही हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, जिस दिन हमारा एग्जाम हो, खासकर लॉ का जिस दिन पेपर हो, उस पेपर से कुछ देर पहले अगर आप छोटा सा सेशन रख लें तो वो इजी होगा, जरा कंफर्टेबल होगा हर किसी के लिए आना. तो पेपर से पहले तो फायदा ही नहीं है कोई, बिकॉज आपका पेपर होगा आप लोग टेंशन में आ जाएंगे. पहले सेशन ले लें, ऐसे ना करें. जी मशारी साहब. सर जरूर होनी चाहिए फिजिकली क्योंकि
उस तरह सर यहाँ पे वर्चुअली तो हम नहीं उस तरह कम्युनिकेट कर पाते। अच्छा सर आखिरी क्लास अगर अनऑफिशियल भी हो तो मतलब अच्छा होगा सर, ये होनी चाहिए जरूर कि गुड बाय कह सकते हैं अच्छा अंदाज मैंने जो जो लोग अगर अगर 36 या टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 39 की है फवाद साहब 39 है टोटल स्ट्रेंथ जी सर 37 37 तो 37 में से अगर 7 लोग नहीं आ सकते या 8 लोग तो 29 30 लोग भी आते हैं दैट्स इनफ इट विल नॉट बी मैंडेटरी मैं उसकी अटेंडेंस नहीं वो करूंगा मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूं डॉक्टर शुएब से लेट्स सी क्या कहते हैं